नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लेकर आई बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 31 नवंबर के बाद से मिलेंगे ये पांच बड़े फायदे राशन कार्ड धारकों को। तो दोस्तों ये कौन कौन से पांच बड़े फायदे मिलने वाले हैं राशन कार्ड धारकों को, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 में सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बहुत काम की खबर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया तो जल्द से जल्द बनवा लें, ताकि आप भी मुफ्त में राशन कार्ड का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि दिसंबर महीने में हमें राशन कार्ड में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि दिसंबर महीने में आपको कुछ नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों क्या है नए बदलाव? दोस्तों जिस प्रकार से नवंबर महीने में सभी राशन कार्ड धारकों को लाभ दिए गए थे, इसी प्रकार दिसंबर महीने में आप सभी राशन कार्डों को इसका लाभ मिलता हुआ रहेगा। दोस्तों सरकार के द्वारा मुफ्त में सभी राशन कार्डों को राशन सामग्री प्रदान की जाएगी। अब आपके मन में यह भी सवाल उठकर आ रहा होगा कि दिसंबर महीने में हमें कुछ नया सामग्री राशन कार्ड के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या नया नियम है और क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों सभी राशन कार्ड धारकों को यह पता है कि राशन कार्ड पर आए दिन नए नए नियम लागू किए जाते हैं, जिससे पहले राशन कार्ड पर राजस्थान के नए नियम को लागू किया गया था और सभी शहरों में फ्री राशन बनवा यानी फ्री राशन बनवाने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद देश के सभी शहरों में केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड वालों पर बड़ा नियम लागू किया करते हुए किया गया है। देश के सभी शहरों में फ्री राशन बनवाने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों देश के सभी शहरों में फ्री राशन मिलने लगा है और सभी लोग इस फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सभी राशन कार्ड वालों को फ्री राशन के साथ साथ एक गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, जिसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं जिनका नाम राशन कार्ड से में जुड़ा हुआ है। वैसे भी व्यक्ति जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी सुविधा मुहैया नहीं की जा सकती है। लेकिन जो लोग फ्री राशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को एक एक गैस सिलेंडर देने की योजना बनाई जा रही है। सभी राशन कार्ड धारकों को एक गैस सिलेंडर, गेहूं, चावल, चने का लाभ भी साथ साथ चीनी का भी लाभ दिया जा सकता है। आप सभी लोगों को इस योजना के तहत फायदा ले सकते हैं। अगर आप सभी का नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, जिन व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है, वह इस उनको लाभ नहीं मिलेगा और वह अपना राशन कार्ड फटाफट बनवा लें और अपना नाम फटाफट राशन कार्ड में जुड़वा लें। दोस्तों जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में जुड़ा नहीं होगा, उन लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जिस घर में सरकारी नौकरी पाई गई, वैसे राशन कार्ड धारकों को इस में से नाम काट दिया जाएगा, यानी जिस घर में सरकारी नौकरी होगी उस घर के व्यक्तियों का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। दोस्तों उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे व्यक्ति ये सारी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं जिन लोगों का राशन कार्ड है, जिन लोगों का राशन कार्ड में उनका नाम है, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और दोस्तों राशन के साथ साथ एक गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड में नाम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बताएं। दोस्तों आपको एक गैस सिलेंडर मिलेगा और फ्री में सभी राशन की सामग्री मिलेंगी और राशन भी मिलेगा। तो दोस्तों इस दिसंबर में नया नियम लागू होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।